तो आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे क्या देखेंगे, फर्मी लेवल इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बात करेंगे, फिर उसके वेरिएशन टेम्परेचर के साथ वो कैसे वेरी करता है वो देखेंगे, और वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल एन टाइप और पी टाइप में भी कैसे वेरी करता है वो भी देखेंगे, है ना। एक्सप्लेन द तो कल मैं वेरिएशन ऑफ क्या बता फर्मी रही लेवल थी विद कि अगर हम टेम्परेचर इन द इंट्रिंसिक केस ऑफ एन सेमीकंडक्टर टाइप की एंड बात पी करें, टाइप। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एट एब्सोल्यूट जीरो फॉरबिडन गैप तो हमेशा एम्प्टी रहेगा, ठीक है, चाहे किसी भी टेम्परेचर की बात कर ले। फॉरबिडन का मतलब यही है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है अलाउड नहीं है रहना, वो इतनी एनर्जी नहीं रख सकता, या तो कंडक्शन बैंड वाली एनर्जी रख सकता है या वैलेंस बैंड वाली एनर्जी रख सकता है। तो जीरो केल्विन पे क्या होता है? जीरो केल्विन पे मैक्सिमम वैलेंस बैंड फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो क्या होगा? वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे। अगर हम एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट जीरो पे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों चार्ज कैरियर इक्वल होते हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इसलिए फर्मी लेवल मिडिल में होता है कंडक्शन बैंड के। तो मिडिल में होने का मतलब यह है उससे नीचे के जो अलाउड स्टेट है वो फिल्ड होंगी, और उससे नीचे की जो अलाउड स्टेट है वो वैलेंस बैंड है, तो मतलब वैलेंस बैंड फिल्ड होगा। लेकिन वैलेंस बैंड की एनर्जी और जो फर्मी लेवल है उसके बीच में जो रीजन है वो तब भी फिल्ड नहीं होगा, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, वो जगह नहीं है, वो एम्प्टी स्पेस है, वहां पे वो नहीं रह सकता है, तो इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मतलब उससे नीचे के जो अलाउड एनर्जी स्टेट है, मतलब कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा। अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हो रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं उतने ही होल्स बन रहे हैं, तो भी फर्मी लेवल जो है बीच में मिडिल में ही रहेगा, कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है। अब हम पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, पर्टिकुलर टेम्परेचर में कोई सा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का हमने डोपिंग स्टार्ट की। अब डोपिंग स्टार्ट की मतलब या तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं या एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। तो एन टाइप का समझ लेते हैं, पी का तो सेम फिर वही केस डिस्कस कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने डोपिंग स्टार्ट की। अब डोपिंग स्टार्ट की, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे थे, तो डोनर एटम, तो क्या होगा? कंडक्शन बैंड में जो अलाउड स्टेट्स हैं वो फिल्ड होनी स्टार्ट होंगी, क्योंकि वैलेंस बैंड तो ऑलरेडी फिल्ड है ना, तो वैलेंस बैंड में तो एम्प्टी स्टेट्स है नहीं, तो जो एम्प्टी स्टेट्स होंगी वहीं पे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एम्प्टी स्टेट्स कहाँ मिल रही है उसको? कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, मतलब वहां पे फिल्ड होना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा? कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे डोनर एटम की वजह से, इन कंपैरिजन टू जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचे उनसे। तो क्या होगा कि एक तरीके से जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले इक्वल थे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए थे उतने ही होल हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, बट अब हमने डोनर इम्प्योरिटी ऐड की कंडक्शन बैंड में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो गए, तो एनर्जी लेवल जो है डोनर एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो इसलिए फर्मी लेवल ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल ईएफ मिडिल में होता है, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में ऊपर शिफ्ट हो जाता है, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया। अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो वैलेंस बैंड में होल जनरेट होंगे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और टेम्परेचर अगर हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन गए वो होते हैं इन कंपेरिजन टू डोनर एटम, जो हमने डोनर की वजह से पहले कंसेंट्रेशन बढ़ाई थी, तो उस केस में क्या होता है? फिर से फर्मी लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि होल्स भी, नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ रहे हैं, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फर्मी लेवल वापस उसी जगह आ जाता है जहां पे इंट्रिंसिक में हुआ करता था, यानी कि वापस से मिडिल में। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर में, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, और फर्मी लेवल भी वापस से कंडक्शन बैंड की जगह वापस से नीचे लोअर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। Consider a donor type of impurity is added to a crystal. All donor atoms are ionized at given temperature. Now, first Nd state in conduction band will be filled. Due to this filled state, it is become difficult for valence band electrons to bridge the energy gap by thermal attigation.
ठीक है, कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे. इनडायरेक्टली वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही जनरेटेड एट दैट टेम्परेचर वो रिड्यूस हो जाएगा, इज रिड्यूस. थर्मली जनरेटेड एट दैट टेम्परेचर इज रिड्यूस. तो होल इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो उस टेम्परेचर पे रिड्यूस हो जाएंगे, नहीं बनेंगे. फर्मी लेवल इज अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अलाउड स्टेट, हेंस फर्मी लेवल मूव क्लोजर टू कंडक्शन बैंड. तो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है. इंडिकेट एनर्जी स्टेट इज बैंड फिल्ड आर डोनर इलेक्ट्रॉन एंड फ्यूअर होल एग्जिस्ट इन अ वैलेंस बैंड. और हमें पता है कि वैलेंस बैंड में कम होल्स होंगे. हो गया है मैम। यस ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. फर्मी लेवल का EF इक्वल टू EC माइनस, क्योंकि फर्मी लेवल क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड से नीचे है. तो EC माइनस KT log NC क्या है, कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ND कितने डोनर्स हमने ऐड किए हैं. कंसर्न EF इक्वल टू EC माइनस KT log NC अपॉन ND, वेयर EC इज एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ND कंसंट्रेशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटी, NC नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, TC टेम्परेचर इन केल्विन. तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, वैलेंस बैंड दिखा रखा है, कंडक्शन बैंड दिखा रखा है, बीच वाला जो लेवल है फर्मी लेवल दिखा रखा है. फिर दिखाया है कि डोनर की वजह से यहाँ पे ये वाला लेवल EF दिखा रखा है. फिर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर अभी ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है ED, अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये फर्मी लेवल धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होगा. और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल और ये जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर हमने फॉर्म किया था इसका फर्मी लेवल सेम हो जाए, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे. अदरवाइज क्या है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हमने इम्प्योरिटी ऐड की है डोनर की वजह से फर्मी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो इनका जो फर्मी लेवल है वो यहाँ पे कहीं बीच में हमें मिलेगा. इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस as the temperature increases, density increases, more number of electron electron hole pair are formed. At a very high temperature, at a very high temperature, the concentration of thermally generated electron thermally generated electron in conduction band will be greater, will be far greater. Will be far greater than the concentration of donor electron. Donor electron.
तो क्या कह सकते हैं, एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बिकम एसेंशियली इंट्रिंसिक, देयरफॉर फर्मी लेवल रिटर्न टू अ मिडिल ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप. कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन और होल की इंट्रिंसिक की तरह हो जाएगी और फर्मी लेवल वापस से मिडिल में आ जाएगा फॉरबिडन गैप के. तो इसको यहाँ ऊपर लिख दे, जगह है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फिलहाल. एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन, एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. फिलहाल मैं इलेक्ट्रॉन को ई करके लिख रही हूँ क्योंकि फिर जगह काम है यहाँ पे, है ना. इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बिकम इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक की जैसी हो जाती है. देयरफोर फर्मी लेवल क्या हो जाएगा, फिर वापस से मिडिल में शिफ्ट हो जाएगा फर्मी लेवल रिटर्न टू द मिडिल ऑफ फॉरबिडन फॉरबिडन एनर्जी गैप. In n-type semiconductor, as the temperature increases, more number of electron-hole pair are formed. As a result, at a very high temperature, the concentration of thermally generated electron in conduction band will be far greater than conduction concentration of donor electron. As a result, concentration of electron holes become intrinsic. Therefore, Fermi level return to a middle of forbidden energy. तो अगर ये बना लिया है, ये लिख लिया है, तो बता दीजिएगा. फिर हम क्या करेंगे, पी टाइप के लिए भी बनाएंगे. पी टाइप में फिर हम इतना नहीं लिखेंगे, वहां पे बस इतना बता देंगे कि नंबर ऑफ एक्सेप्टर हम क्या करते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो जिसकी वजह से होल्स ज्यादा होते हैं और फर्मी लेवल वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर इक्वल हो जाते हैं और फर्मी लेवल बीच में शिफ्ट हो जाता है. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फर्मी लेवल इंट्रिंसिक की जैसे होने लगता है, अदरवाइज फर्मी लेवल एन टाइप और पी टाइप में शिफ्ट हो जाता है. एन टाइप में कंडक्शन बैंड की तरफ और पी टाइप में वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होता है. टाइप में क्या होता है, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाते हैं वैलेंस बैंड में बिकॉज ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. ड्यू टू दिस फर्मी लेवल लाई क्लोजर टू वैलेंस बैंड इन द केस ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर. पी टाइप में जो फर्मी लेवल, अब हम वहाँ पे जो थ्योरी लिखी है अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, वहाँ पे ऑलरेडी हम एक बार लिख चुके हैं वो सारी चीजें, वही चीजें यहाँ पर है. तो क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, फर्मी लेवल का एक्सप्रेशन ईएफ. अब ईएफ क्या होगा, वैलेंस बैंड से ऊपर, यानी ईवी में कुछ टर्म ऐड हो रही है, तो ईवी प्लस केटी लॉग एनवी अपॉन एनए. एनवी क्या है, नंबर ऑफ होल्स हैं वैलेंस बैंड के अंदर. एनए क्या है, कितने हमने कंसंट्रेशन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की एड की, एनए वो है. तो अभी हमने यहाँ पे डायरेक्ट फर्मी लेवल दिखा रखा है, यहाँ पे क्या दिखाएंगे, डैश फॉर्म से एक्सेप्टर एटम की एनर्जी लेवल दिखाएंगे. फिर ये फर्मी लेवल इसकी वजह से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, है ना. इसी से यहाँ पे ये इंट्रिंसिक का फर्मी लेवल है, इंट्रिंसिक का, इंट्रिंसिक से तो कम होगा लेकिन एक्सेप्टर एटम की जो एनर्जी है उससे थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा. और अगर हम इसमें वेरिएशन विद टेम्परेचर दिखाएं तो दिखा सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे फर्मी लेवल इंक्रीज होता है, और ऐसे करके इसको ऐसे इंक्रीज होता है दिखा सकते हैं. ठीक है, देखिए ये मैं ऑलरेडी बता चुकी दोनों ग्राफ की, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है. तो अगर हम एन टाइप की बात कर रहे हैं तो कंडक्शन बैंड में डोनर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, नॉर्मल जो हमारे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए हैं तो ये शिफ्ट होता जाएगा. तो यहाँ पे देखिए ग्राफ
पीक दिखा रखा है या इस तरीके से शिफ्टिंग दिखा रखी है, ठीक है, कि किस डोनर एटम की कंसंट्रेशन पे ये ऐसा था, कंसंट्रेशन कम होगी तो ये इस तरीके से ऐसे शिफ्ट होता जाएगा, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा इंट्रिंसिक की तरफ जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ऐसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर में दिखा रखा है कि एक्सेप्टर ऐड कर रखे थे तो फर्मी लेवल नीचे था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और इंट्रिंसिक के पास पहुंच जाएगा। तो एक छोटा सा ग्राफ और है, इसको और बना लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर, तो हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का ग्राफ है, ये रो जो है रेजिस्टिविटी है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड जंप इनटू अ कंडक्शन बैंड लीविंग द बिहाइंड होल इन द बैलेंस बैंड, बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंट्रीब्यूट द कंडक्टिविटी, हेंस कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस एंड रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी कर देना, decreases with increase in temperature, the variation or resistivity with temperature is shown in figure. Thank you everyone, keep watching or comment section mein post karte rahiye comment. Thank you.